वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार का जो बजट आया है 2023-24, केंद्रीय बजट 2023-24 की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2022 से लेके 2047 तक का जो टाइम है उसको एक तरह से अमृतकाल कहा गया है, और अमृतकाल का जो पहला बजट है 2023-24 वो जारी किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए विजन पेश किया गया है कि किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज कर सकते हैं। एक समावेशी अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों का तेजी से विकास हो सके, उसके लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट जो है वो बनाया गया है। अब देखिए, इसमें जो समावेशी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, अमृतकाल का जो विजन पेश किया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए 4 रूपांतरकारी अवसरों पर आधारित त्रिआयामी फोकस जो है वो अमृतकाल का मुख्य आधार होगा। ये 4 रूपांतरकारी अवसर कौन कौन से हैं, त्रिआयामी फोकस कौन कौन से हैं, उसको आगे हम देखने वाले हैं। फिर इस बजट में बताया गया है कि जो सरकार का पूंजीगत निवेश व्यय है, पूंजीगत निवेश व्यय को 33% बढ़ाया गया है, और कितना कर दिया गया है, 10 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, पूंजीगत निवेश का मतलब क्या हो गया, सरकार के द्वारा ऐसे कार्यों पर खर्चा किया जाता है जिससे भविष्य में आय का निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, सरकार की परिसंपत्तियों में एक तरह से वृद्धि होती है। जैसे सरकार ने एक बांध बना दिया, उस बांध के द्वारा भविष्य में बिजली का निर्माण किया जाएगा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो खर्चा होता है उसको कहा जाता है पूंजीगत निवेश, और पूंजीगत निवेश के ऊपर सरकार ने अपना खर्चा जो है पिछले बजट की तुलना में 33% बढ़ाया गया है, और पूंजीगत निवेश कितना कर दिया गया है, 10 लाख करोड़ रुपए 2023-24 में। फिर जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है, ठीक है, पूंजीगत व्यय जो है वो कुल जीडीपी का कितना है, 4.5% है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार ने पूंजीगत व्यय की राशि बताई है वो जीडीपी का कितना है, 4.5%। अब देखिए, बजट जो होता है उसमें सरकार का जो व्यय होता है वो आय की तुलना में ज्यादा होता है, और उस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है, और ये जो अतिरिक्त व्यय होता है, आय से ज्यादा जो व्यय होता है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, और उस राजकोषीय घाटे की जो पूर्ति है वो ऋणों के माध्यम से की जाती है। इसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, और सामान्यतः ये लिमिट जो है वो कितनी है, 3% रखी गई है। ठीक है, लेकिन जो वर्ष 2023-24 है उसमें जीडीपी का 5.9% घाटा जो है वो रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है वर्ष 2023-24 में जीडीपी का कितना हो सकता है, 5.9%। 2022-23 में ज्यादा है, 6.5% के आसपास है, लेकिन इसमें 2023-24 में कमी का अनुमान लगाया है कि ये कम होकर कितना हो जाएगा, 5.9% रहने का अनुमान है। फिर वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23 जो वित्तीय वर्ष है उसमें जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो कितनी रह सकती है, 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, मतलब स्थिर कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है वो 2022-23 में कितनी हो सकती है, 7% रह सकती है। और निर्यातों में जो वृद्धि की दर है, ठीक है, एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ रेट है वो 2023 में 12.5% रहने का इस बजट में अनुमान लगाया गया है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो बागवानी वाली फसलें हैं, ठीक है, उनके लिए गुणवत्ता पूरक
जो पौध सामग्री हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ठीक है, बागवानी फसलें जो फल फूल सब्जियां होती हैं उनको उत्पादन को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और इसके लिए जो बजट जारी किया जाएगा वो कितना होगा? 2200 करोड़ रुपए। ठीक है, 2200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए दिया जाएगा। और जो आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम है वो किसके साथ में संबंधित है? बागवानी फसलों के लिए, फल सब्जियां फूल, ठीक है, इस प्रकार की जो बागवानी फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फिर शिक्षा की, स्वास्थ्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। उसके बाद में कोविड के बाद में अगर देखें तो घरों की मांग बढ़ी है, इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि सभी लोगों के पास में अपना घर हो। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना जो चल रही है उसका खर्चा 66% बढ़ाया गया है। ठीक है, पीएम आवास योजना जो है उसका जो बजट है उसमें 66% की वृद्धि की गई है। और ये जो बजट है वो कितना हो गया? 79,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जो है वो पीएम आवास योजना के लिए जारी किया जाएगा। रेलवे बजट की अगर हम बात करें, क्योंकि रेलवे बजट जो है वो भी इस आम बजट के साथ में जारी किया जाता है, तो रेलवे के लिए जो बजट है वो 2.40 लाख करोड़ का जारी किया जाएगा। और 2014 से जो तुलना अगर इसमें की गई है कि 2014 की तुलना में 2023-24 का जो रेलवे का बजट है उसमें 9 गुना वृद्धि की गई है। और ये कितनी है, कितना बजट है? 2.40 लाख करोड़ रुपए जो है वो रेलवे को प्रदान किए जाएंगे। फिर उसके बाद में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी जो आधारभूत अवसंरचना है उसका एक कोष बनाया जाएगा, UIDF। फिर उसके बाद में एक नई योजना जो है वो जारी की गई है, गोबर धन योजना। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो गोबर धन योजना के लिए जारी की जाएगी। ठीक है, गोबर धन योजना में जो कुल निवेश किया जाएगा सरकार के द्वारा वो कितना है? 10,000 करोड़ रुपए का। और इसके माध्यम से 500 नए कचरा से संपदा संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कचरे से जैसे बिजली का उत्पादन किया जाए, कचरे को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, उत्पादक कार्यों में प्रयोग किया जाए, उसके लिए गोबर धन योजना जो है वो जारी की जाएगी। और गोबर धन योजना का जो बजट है वो कितना होगा? 10,000 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो युवा कौशल की अगर हम बात करें तो युवा कौशल के लिए मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। प्रत्यक्ष करों की बात की जाए तो प्रत्यक्ष करों में जो इनकम टैक्स है, आयकर है, उसमें एक तरह से राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था में नए स्लैब घोषित किए गए हैं। पिछली कर व्यवस्था में 6 स्लैब थे, उसमें कटौती करके अब 5 स्लैब जो है घोषित किए गए हैं। और जिन लोगों की आय 7 लाख रुपए तक है, 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ेगा, ये जो घोषणा है वो इस बजट में की गई है। फिर नई कर व्यवस्था में जो लोग सैलरी प्राप्त करते हैं, वेतन भोगी व्यक्ति हैं, उनको एक तरह से 50,000 रुपए की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, मानक कटौती होती है, वो भी उनके लिए जारी रहेगी। व्यक्तियों और HUF जो हिंदू अविभाजित परिवार हैं उनके लिए नई कर व्यवस्था ही डिफॉल्ट व्यवस्था होगी एक तरह से। फिर जो गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी हैं अगर वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके अवकाश पर नकदीकरण पर कर छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो अन्य प्रस्ताव हैं उनको भी एक तरह से जारी किया गया है। इसमें हरित ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित देने के लिए एक तरह से बात कही गई है। अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों का उद्देश्य क्या है? निर्यातों को बढ़ाना, देश में जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, देश में विनिर्माण है उसको बढ़ाना। वस्त्र एवं कृषि को छोड़कर
अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की जो दरें हैं उनकी कुल संख्या को 21 के घटाकर कितना कर दिया गया है, 13 कर दिया गया है। ये कुछ बातें थी, प्रमुख बातें थी बजट की। ठीक है, भारत को आजादी के 75 वर्ष जो हैं पूरे हो गए हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें COVID-19 की जो परिस्थिति थी, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें मंदी की स्थिति पाई जाती है, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी भारत की जो विकास की दर है वो 7% रहने का एक तरह से इस बजट में अनुमान लगाया गया है। जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है वहां पे विकास की दर कम है, लेकिन भारत में इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, इन समस्याओं के बाद भी, जो वैश्विक समस्या है, रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, कोविड महामारी हो गई है, उसके बाद में भी भारत में चालू जो वित्त वर्ष है 2022-23 उसमें जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, सकल घरेलू उत्पाद या आर्थिक विकास की जो दर हम कहते हैं वो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। और ये जो बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया है संसद में, 1 फरवरी 2023 को। इन्होंने क्या बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिसके सामने विभिन्न चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल है। ठीक है, अब देखिए इस बजट का जो ए भाग है उसमें भारत 800 मतलब 2047 में भारत को स्वतंत्र हुए जो है 100 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए 2022 से लेके 2047 का जो समय है उसको एक तरह से अमृत काल कहा गया है। और इस अवधि में भारत के एक तरह से समृद्ध एवं समावेशी विकास की कल्पना की गई है। ठीक है, समावेशी विकास का मतलब यहाँ पे किससे है कि सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए कोई भी क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का, कोई भी वर्ग जो है अर्थव्यवस्था का, वो इस विकास की योजनाओं से वंचित नहीं रहे, चाहे वो हमारे देश के कोई भी नागरिक हो। ठीक है, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, महिलाएं हैं, किसान हैं, ओबीसी वर्ग हैं, SC ST अनुसूचित जनजाति जाति, इन सभी का कल्याण हो, मतलब विकास की जो गंगा है, विकास की योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंच सके, इस बात की एक तरह से इस बजट में कल्पना की गई है, घोषणा की गई है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इस बजट में 2014 से लेके अभी तक की जो उपलब्धियां हैं सरकार की, उन उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है उसमें एक तरह से वृद्धि हुई है, दुगुनी हो गई है पिछले वर्ष की तुलना में। 2014 से अभी जो है दुगुनी हो गई है, और कितनी हो गई है, 1.97 लाख रुपए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान समय में वो कितनी है, 1.97 लाख रुपए, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है, 1,97,000 जो प्रति व्यक्ति आय है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, विश्व की अगर हम सबसे 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो भारत जो है अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गया है। अब देखिए जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों में अगर हम देखें तो 2014 से लेके 2023 तक, ठीक है, या 22 तक अपन कहें, तो ये जो लगभग 9 वर्ष हुए हैं उसमें भारत का जो एक प्रोग्राम चल रहा है भारत में स्वच्छ भारत मिशन, तो उसमें 11.7 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। ठीक है, 2014 से अब तक की उपलब्धियों का इस बजट में जिक्र किया गया है। और भारत सरकार का एक प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन, उस प्रोग्राम में अभी तक जो है वो घरेलू शौचालयों का जो निर्माण किया गया है, 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। किस मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत।
फिर भारत सरकार की एक योजना है, उज्ज्वला योजना है, उसमें 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अभी तक दिए गए हैं। कोविड महामारी में जो जनसंख्या है 102 करोड़ लोग, उनको 220 करोड़ टीकों की खुराक दी गई है। ठीक है, 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। उसके बाद में पीएम जन धन जो योजना है, पीएम जन धन योजना के तहत बैंकों में 47.1 करोड़ बैंक खाते जो हैं वो अभी तक खोले गए हैं, पीएम जन धन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत बैंकों में कितने खाते खोले गए हैं, 47.1 करोड़। फिर पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत कितने लोगों का बीमा किया गया है, तो ये है लगभग 45 करोड़। ठीक है, 44.6 करोड़ व्यक्तियों का इन योजनाओं के तहत बीमा किया गया है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना जो है, इस योजना के तहत पिछले 9 वर्षों में 2014 से लेके अभी तक अगर हम देखें तो ये आंकड़े जो हैं लगभग 45 करोड़ व्यक्तियों को बीमित किया गया है। फिर किसानों के लिए योजना चल रही है, पीएम किसान सम्मान योजना, निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को नकद हस्तांतरण किया गया है। कितना किया गया है, 2.2 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नकद स्थानांतरण की जो राशि है इन 9 वर्षों में वो कितनी है, 2.2 लाख करोड़ रुपए। और कितने व्यक्ति, कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, 11.4 करोड़। और फिर जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो इन 9 वर्षों में 2014 से लेके अभी तक एक तरह से 9 गुनी बड़ी, 2 गुनी बड़ी है, 2 गुना वृद्धि हुई है। और कितनी हो गई अभी, 1.97 लाख रुपए। ठीक है, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है इस बजट घोषणाओं के अनुसार देखें तो वर्तमान में कितनी है, 1.97 लाख रुपए। अब देखिए अमृतकाल का जो समय है 2022 से लेके 47 तक, तो अमृतकाल के लिए इस बजट में एक विजन पेश किया गया है, एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, मतलब समाज के सभी वर्गों की स्थिति को एक तरह से सुधारने की बात की गई है, सबका साथ सबका प्रयास। ठीक है, सबका साथ सबका प्रयास, मतलब सभी लोगों की भागीदारी को जोड़ते हुए हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना। तो समावेशी अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से इन 3 बातों के ऊपर जोर दिया गया है। इन 3 बातों के आधार पर समावेशी अर्थव्यवस्था, सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जाएगा। इसमें जो युवा वर्ग है, ठीक है, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों को विभिन्न अवसर उपलब्ध कराना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना और मजबूत एवं स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण, इन 3 बातों के आधार पर सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है। तो अमृतकाल के लिए जो विजन पेश किया गया है एक सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसमें सबका साथ सबका प्रयास जो है, ठीक है, उसके लिए जन भागीदारी के ऊपर जोर दिया गया है। और अमृतकाल का जो विजन है समावेशी अर्थव्यवस्था का, इसको प्राप्त करने के लिए 3 चीजों के ऊपर बल दिया गया था। ठीक है, पहला जो बल दिया गया है वो क्या है, विशेषकर युवाओं के, कि युवाओं की जो भी आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए विभिन्न अवसर उपलब्ध कराना। फिर रोजगार सृजन करना, आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को सरकार बढ़ावा दे रही है। और फिर तीसरा जो है आखिर में वृहत आर्थिक स्थिरता को सरकार ने मजबूती देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने क्या कहा है वित्त मंत्री जी ने, कि भारत 800 की हमारी इस यात्रा में इन फोकस क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमृत काल में निम्नलिखित 4
अवसर रूपांतरकारी साबित हो सकते हैं। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि बजट में चार अवसर रूपांतरकारी की बात की गई थी, वो कौन कौन सी हैं? पहला है महिलाओं का एक तरह से आर्थिक सशक्तिकरण करना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ठीक है, तो समावेशी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो चार अवसर रूपांतरकारी साबित हो सकते हैं उसमें से पहला कौन सा है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, या जिसे पीएम विकास योजना भी कहा जाता है। ठीक है, जो परंपरागत कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, जिनको भारत में एक तरह से विश्वकर्मा कहा जाता है, तो विश्वकर्मा जो समाज हैं या जो कारीगर और शिल्पकार जिनको विश्वकर्मा कहा जाता है उनके लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना के माध्यम से इन लोगों को एक तरह से, ठीक है, जो विश्वकर्मा जिन लोगों को कहा जाता है उनको अत्याधुनिक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध कराने की बात की गई है। इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनकी ब्रांड को एक तरह से सुधारना, इनके माल को बेचने के लिए बाजार विकास करना ताकि इनकी आय में एक तरह से वृद्धि हो, इनको सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति हो सके, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है, पीएम विकास योजना जो है वो लागू की जाएगी। फिर उसके बाद में पर्यटन जो है वो भी हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार जो है विभिन्न कार्य करेगी। सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो निजी क्षेत्र हो, उनकी भागीदारी के माध्यम से पर्यटन को आकर्षित करने का जो कार्य है वो किया जाएगा। इससे भी हमारे देश की जो राष्ट्रीय है आर्थिक विकास की गति है उसमें तेजी से वृद्धि होगी। और चौथा जो रूपांतरकारी अवसर है वो है हरित विकास। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास का मतलब क्या हो गया? चाहे वो ईंधन हो, मतलब इस प्रकार का विकास करना कि पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रखें, पर्यावरण के ऊपर विपरीत असर ना पड़े, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो उस बात को ध्यान में रखते हुए हरित ईंधन हो, हरित ऊर्जा हो, कृषि हो, उसमें भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम हो, तो हरित कृषि की बात की गई है, हरित गतिशीलता की बात की गई है, भवन निर्माण होता है उसमें भी पर्यावरण को नुकसान नहीं हो तो हरित भवन की बात की गई है, हरित उपकरण, इस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहो, और पर्यावरण सुरक्षित रहने के साथ साथ में रोजगार के जो अवसर है उसमें भी कमी नहीं हो, देश की विकास की गति में भी एक तरह से कमी नहीं आए, तो हरित विकास की जो बात है इस बजट में कही गई है। उसके बाद में अगर हम इस बजट की प्राथमिकताओं की बात करें तो इस बजट में 7 प्राथमिकताओं के ऊपर जोर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में जो पेश किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसमें 7 प्राथमिकताओं की बात की गई है, जिसे क्या कहा गया है? सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि एक तरह से क्या है? जो केंद्रीय बजट 2023-24 है उसमें 7 प्राथमिकताओं को बताया गया है, जो हमारा अमृत काल का मिशन है उसको प्राप्त करने के लिए सप्तऋषि जो है वो कार्य कर रहा है। और सप्तऋषि में 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारी है समावेशी विकास, मतलब सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए विकास करके आर्थिक विकास की गति को तेज करना, समावेशी विकास है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो उसमें समाज का कोई भी वर्ग वो वंचित ना रहे, सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उनका लाभ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक एक तरह से पहुंचना चाहिए, ये दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी है अर्थव्यवस्था में अवसंरचना और निवेश को बढ़ाना। चौथा है संभावनाओं को उन्मुक्त करना। पांचवा हरित विकास है, ग्रीन डेवलपमेंट। छठा है यूथ पावर, युवा शक्ति। और सातवां जो है वो है फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र।
इन सात प्राथमिकताओं को एक तरह से सप्तऋषि कहा गया है इस बजट में। ठीक है, आप इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि बजट 2023-24 में सात प्राथमिकताओं की बात की गई है, और सात प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, चौथा क्षमता का विकास, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति, और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। अब इन सातों प्राथमिकताओं को हम अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो कौन सी है? समावेशी विकास। और समावेशी विकास का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास करना, सभी वर्गों का विकास करना। तो समावेशी विकास में मुख्य रूप से हम कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों को हम शामिल कर सकते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसमें कृषि क्षेत्र का भी विकास हो, शिक्षा का भी, शिक्षा में भी सुधार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी सुधार होना चाहिए। और ये जो विकास है, ये जो योजनाएं होती है सरकार की, उन योजनाओं का जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों के ऊपर होना चाहिए। मतलब सरकार का जो लक्ष्य है समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए, वो क्या है? सबका साथ सबका विकास। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो इस विकास योजनाओं से वंचित नहीं रहे। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के आधार पर सभी वर्ग, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा वर्ग हो गया, ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग हो गया, दिव्यांगजन हो सकते हैं, एससी एसटी वर्ग हो सकता है, और समाज के आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग हैं, उन सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था का विकास करना क्या कहलाता है? समावेशी विकास। और साथ ही साथ जो नए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, या फिर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके ऊपर भी एक तरह से निरंतर ध्यान दिया गया है इस बजट में। तो देखिए, इस बजट में समावेशी विकास की जो हम बात कर रहे थे, पहली प्राथमिकता थी, उसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो कृषि और सहकारिता का जो क्षेत्र है, उसमें कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कृषि क्षेत्र के लिए 2022 में जो ऋण प्रदान किया गया है वो कितना है? 186 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण प्रदान किया गया है वर्ष 2022 में, और कितना है? 186 लाख करोड़ रुपए। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, जो स्टार्टअप होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक नीति जो है वो लाई जाएगी। ठीक है, कृषि वर्धक नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार जो स्टार्टअप है, जैसे कोई किसान टमाटर की खेती कर रहा है, तो टमाटर के साथ साथ में वो सॉस का उत्पादन करके उसका विक्रय करे ताकि उसकी आय में वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार के जो स्टार्टअप हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। फिर आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम है, बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा। कृषि में हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र को भी शामिल करते हैं। ठीक है, जब हम कृषि की बात, कृषि का मतलब किसे होता है? उसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य क्षेत्र को भी शामिल करते हैं। और इन क्षेत्रों के लिए कितना ऋण देने की बात की गई है? 20 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण है वो लक्ष्य रखा गया है। फिर जो किसान उत्पादन करते हैं उनमें भंडारण की समस्या आती है, तो अतिरिक्त भंडारण क्षमता का भी निर्माण करने की एक तरह से इसमें बात की गई है। फिर उसमें एक महत्वपूर्ण बात की गई है कि भारत को श्री अन्न, जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इस प्रकार के कुछ मोटे अनाज हैं, जिनको इस बजट में क्या कहा गया है? श्री अन्न, जिसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? भारत में होता है। तो मोटे अनाज, जिसे इस बजट में श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक तरह से सरकार जो है वो सहयोग प्रदान करेगी, इस प्रकार की घोषणा जो है वो इस बजट में की गई है। ठीक है, तो कृषि एवं सहकारिता की हम बात करें, तो कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो इनपुट होते हैं वो, मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ऋण मिल जाए, आसानी से बीमा हो जाए। ठीक है, जो फसल का उत्पादन किया गया है उनको कहाँ पे बेचा जाए, बाजार की जो जानकारी होती है वो किसानों को उपलब्ध कराई जाए, और जो नए नए स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है,
किसानों के द्वारा स्टार्टअप्स नए स्टार्ट किए जाएं, उसके लिए एक तरह से इसमें प्रोत्साहन देने की बात की गई है। फिर उसके बाद में कृषि वर्धक नीति की बात की गई है, जो ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, उनमें कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक नीति की जो स्थापना है वो की जाएगी। साथ ही साथ इस बजट में जो कपास की फसल है उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो अतिरिक्त लंबे रेशेदार वाली कपास होती हैं उनको, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीपीडी मोड, ठीक है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। साथ ही साथ अभी हमने बात की थी आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ठीक है, जिसमें 2200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी किया गया है, ठीक है, ताकि जो बागवानी वाली फसलें हैं, फल सब्जियां फूल, इनका उत्पादन एक तरह से बढ़ सके और साथ ही साथ इन पे जो रोग हो जाते हैं उनसे बचाव हो सके एक तरह से, ठीक है, उनके लिए एक तरह से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। फिर देखिए कृषि क्षेत्र में मिलेट के लिए जो वैश्विक केंद्र है, मोटे अनाज का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए, मोटे अनाजों को यहाँ पे इस बजट में क्या कहा गया है, श्री अन्न, ठीक है, भारत एक तरह से क्या है, विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से जो श्री अन्न है जिसमें मोटे अनाजों हम क्या शामिल करते हैं, ज्वार बाजरा रागी कुट्टू रामदाना कंगनी कुटकी कोदो चीना और सामा, ये सभी एक तरह से क्या है, मोटे अनाज हैं और इनका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है, भारत में। और निर्यातों की दृष्टि से देखें तो भारत का इन मोटे अनाजों के निर्यातों में कौन सा स्थान है, विश्व में दूसरा निर्यातक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन उत्पादक क्या है, सबसे बड़ा है। तो श्री अन्न जो है उनको भारत एक तरह से पूरे विश्व को उपलब्ध कराता है और विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो मोटे अनाज कौन कौन से हैं, किनके उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई है, ज्वार रागी बाजरा कुट्टू रामदाना कंगनी कुटकी कोदो चीना और सामा, ठीक है, और इन सभी को एक तरह से इसमें श्री अन्न की संज्ञा दी गई है, ठीक है, श्री अन्न कहा गया है। और भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में जो स्थित हैं को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, श्री अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पे है, हैदराबाद है, उसको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए उसको उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए इस बजट में बात कही गई है। फिर ऋणों की अगर हम बात करें तो कृषि ऋणों में जो कृषि से संबंधित क्रियाएं होती हैं, पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन, इनको ध्यान में रखते हुए जो ऋण की राशि है उसको 20 लाख करोड़ रुपए तक एक तरह से बढ़ाने की एक बात कही गई है इस बजट में। और सरकार 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना की एक नई उप योजना भी शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य क्या है, जो मछुआरे हैं मछली विक्रेता हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देना, मछली बाजार का एक तरह से विस्तार करना हम कह सकते हैं। फिर इसमें सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता आधारित एक आर्थिक विकास का जो मॉडल है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, सहकार से समृद्धि के विजन को ध्यान में रखते हुए। और इसके लिए सरकार ने पहले से 2516 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है और 2014 से लेकर वर्तमान समय तक 157 मेडिकल कॉलेज तो हैं वो तो स्टार्ट कर दिए गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ में 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो भी स्थापित किया जाएगा और वर्ष 2047 तक
सिकल से एनीमिया उन्मूलन करने का एक मिशन जो है वो स्टार्ट करने की घोषणा इस बजट में की गई है। ठीक है, 2047 तक सिकल से एनीमिया जो है उसको एनीमिया का उन्मूलन करने की घोषणा इस बजट में कही गई है। तो देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र का इस पे देखिए अपन, तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो व्यय किया गया है उस व्यय में कृषि वृद्धि की गई है और जीडीपी का ये कितना है 2.1%। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट की कितनी राशि व्यय की जाएगी 2.1%। साथ ही साथ जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है उसकी शुरुआत की जाएगी, 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे, इन प्रमुख बातों को इसमें एक तरह से बताया गया है। साथ ही साथ अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि समय के साथ साथ में एक तरह से क्या होती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो नई टेक्नोलॉजी को अवगत कराने के लिए एक तरह से उनको ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और ये जो कार्यक्रम है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट होती है उनके संस्थानों के साथ में एक तरह से उन संस्थानों के माध्यम से अध्यापकों को एक तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए शिक्षा और कौशल की हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा पर जो व्यय किया जाएगा 2023 का जो बजट है वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का कितना है 2.9% है। एक बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से जो अध्यापक हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और युवाओं के लिए लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए PMKVY4 कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ये इसकी प्रमुख एक तरह से घोषणा है। फिर देखिए दूसरी प्राथमिकता की हम बात करें, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। ठीक है, सरकार ने इस बजट में दूसरी प्राथमिकता जो बताई है वो क्या है, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। मतलब सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उन सभी योजनाओं का एक तरह से लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके उसके लिए सरकार ने एक तरह से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी, जो संवेदनशील जनजाति समूह हैं उनका विकास करने के लिए, क्योंकि जनजाति समूह हैं वो समाज में अभी एक तरह से आखिरी तक हम कह सकते हैं आखिर छोर पर हैं, तो उनका भी विकास हो सके तो उनके लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जो योजना है वो प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, इस योजना का संबंध किससे है, जनजाति समूह से है। फिर कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर जो एकलव आदर्श आवासीय स्कूल हैं उसमें 740 स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, 38,800 शिक्षक जो हैं उनकी भर्ती करने की एक तरह से बात की गई है। फिर PMGKY योजना के तहत जो अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवार हैं उनको अगले एक वर्ष तक मुफ्त खाद्यान्न जो है उनकी आपूर्ति की जाएगी। फिर देखिए एक घोषणा की गई है, महत्वपूर्ण घोषणा है कि जो प्राचीन पंडुलिपियां हैं उनको डिजिटलीकरण किया जाएगा उनका, और डिजिटलीकरण करने लिए योजना शुरू की जाएगी, भारत श्री योजना। ठीक है, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना की स्थापना की जाएगी। और पीएम आवास योजना, सभी के पास में अपना घर हो तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आवास योजना जो है पीएम आवास योजना उसमें सरकार ने अपना खर्चा जो है उसकी 66% की एक तरह से वृद्धि की है। ठीक है, आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम है, 500 ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन है,
जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन जो है वो किसके साथ में संबंधित है, जनजाति समूह के साथ में संबंधित है। जनजाति समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को एक तरह से सुधार करने की एक तरह से इसमें बात की गई है। और इस मिशन के लिए जो बजट है वो कितना जारी किया जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इस मिशन के लिए जारी की जाएगी। PVTG जो मिशन है उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट है। फिर 740 जो एकलव्य स्कूल है, मॉडल स्कूल है, उसमें 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। इन सभी को शॉर्ट में हमने देखा था। PM आवास योजना है उसमें खर्चा कितना बढ़ाया गया है, सरकार ने 66% खर्चा बढ़ाया गया है और बजट जो है वो कितना हो जाएगा, 79,000। ठीक है, PM आवास योजना का जो बजट है वो कितना है, 79,000। इस बजट की तीसरी जो प्राथमिकता है वो है अवसंरचना और निवेश को बढ़ाना। ठीक है, अवसंरचना और जो निवेश होता है वो अर्थव्यवस्था का विकास और रोजगार को एक तरह से प्रभावित करता है। तो इस बजट में जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है उसको बढ़ाने की बात की गई है। सरकार अपना निवेश जो है वो क्या करेगी, ज्यादा करेगी निवेश। ठीक है, तो निवेश से क्या होता है, लोगों को अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलता है, राष्ट्रीय आय का आकार एक तरह से बढ़ता है। और इसमें बताया गया है कि केंद्र का जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो कितना है, 13.7, और ये कुल GDP का कितना है, 4.5% है। ठीक है, इसको हमने पहले भी देखा था। निवेश में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और 50 वर्ष ब्याज मुक्त ऋण को अगले 1 वर्ष तक और जारी रखने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। फिर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय जो है वो जारी किया गया है और 2013-14 की तुलना में ये जो रेलवे का बजट है वो कितना है, लगभग 9 गुना अधिक है। उसके बाद में चौथी जो प्राथमिकता है वो कौन सी है, सक्षमता को सामने लाना। ठीक है, सक्षमता को सामने लाने के लिए भी मतलब सरकार ने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई हैं। ठीक है, सक्षमता को सामने लाने का मतलब कि सरकार एक तरह से इस प्रकार का प्रशासन उपलब्ध कराए जो एक तरह से क्या हो, जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, लोगों का उसमें एक तरह से विश्वास बना रहे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करेगी, जो ई न्यायालय है उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ई न्यायालय को स्थापित किया जाएगा। फिर उसमें अगर हम देखें तो जो संसाधन दुर्लभ हैं उनको अच्छी तरीके से आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इस बजट में कही गई है। फिर महत्वपूर्ण बात एक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र लाने की एक बात की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराए के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कि जैसे कि हम बहुत सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम अपने घर में गए तो एसी जो होगा, गर्मी का दिनों है तो एसी क्या होता है, अपने आप ऑन हो जाता है, घर से बाहर गए तो एसी अपने आप ऑफ हो जाए, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात की गई है इस बजट में। पांचवा जो लक्ष्य है वो कौन सा है, हरित विकास। पांचवी जो प्राथमिकता है वो कौन सी है, हरित विकास की प्राथमिकता है और इसमें भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए 2070 तक पंचामृत और निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की इसमें बात कही गई है। ठीक है,
हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए पंचामृत और निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कितना हो, शून्य हो, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो कब रखा गया है, 2070 तक, ठीक है। पर्यावरण को एक तरह से नुकसान नहीं हो, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाएगा, हरित विकास, तो हरित विकास को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। हरित विकास जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर, तो इस कार्य के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम की शुरू की जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए, एक तो रासायनिक उर्वरक होते हैं, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से क्या होता है, भूमि को नुकसान होता है। तो जो गोबर है, जैसे कि इस प्रकार के जो प्राकृतिक खाद एक तरह से, ठीक है, तो इस प्रकार के खादों को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, पीएम प्रणाम कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। गोबर धन योजना, गोबर से धन उत्पादित करना एक तरह से, तो गोबर धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। गोबर धन योजना का उद्देश्य एक तरह से क्या है, हरित विकास को एक तरह से बढ़ावा देना, ठीक है। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जो नष्ट होती जाती है, स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की जाएगी। फिर जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें पौधारोपण के लिए मिष्टी योजना शुरुआत की जाएगी, ठीक है। योजना मिष्टी के तहत जो तटीय रेखा के मैग्रोव पौधारोपण है उनकी शुरुआत की जाएगी। और जो आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं, आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर को भी लागू करने की बात इस बजट में कही गई है। तो यहाँ पे आपको गोबर धन योजना जो है उसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोबर धन का मतलब किससे है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन नामक स्कीम जो है उसमें 500 नए अवशिष्ट से आमदनी, ठीक है, जो कचरा होता है उससे आय का निर्माण करना, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है, संयंत्र है, उनको एक तरह से चलाया जाएगा, उनको स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस है संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 और 300 या क्लस्टर आधारित संयंत्र जो हैं स्थापित किए जाएंगे। और इसका जो बजट है, लागत है गोबर धन योजना की, वो कितनी है, 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। गोबर धन योजना के तहत कितनी राशि व्यय करने की बात की गई है, 10,000 करोड़ रुपए की। फिर उसके बाद में देखिए, पुराने वाहनों को बदलने की इसमें बात की गई है ताकि पर्यावरण को एक तरह से नुकसान नहीं पहुंचे। छठी जो प्राथमिकता है इस बजट की वो युवा शक्ति के बारे में है, ठीक है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक तरह से जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको कौशल वर्धन के ऊपर आधारित किया गया, मतलब कि इस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए जिससे कि एक तरह से लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है, बड़े पैमाने पर एक तरह से रोजगार मिल सके, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना है। व्यवसाय के इस प्रकार के अवसर हो उसको एक तरह से समर्थित किया गया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो चलाई जाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ठीक है, जिसमें ऑन जॉब प्रशिक्षण मिल सके, उद्योगों में साझेदारी हो, नए युग के जो पाठ्यक्रम होते हैं इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को चलाना, और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी इसमें बात की गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना जो है उसकी बात की गई है। यूनिटी मॉल की बात की गई है, ठीक है। यूनिटी मॉल का मतलब किससे है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद मतलब संपूर्ण जिले का जो भी उत्पादन है उसको एक स्थान पर बेचा जाए, ठीक है, चाहे वो पर्यटन केंद्र के रूप में हो या एक वित्तीय राजधानी के रूप में विकसित हो, ठीक है। वहां पे GI उत्पाद हो सकते हैं, उसमें अन्य हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी बिक्री करने के लिए, तथा शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए अपनी अपनी राजधानी में हो सकते हैं, प्रमुख पर्यटन केंद्र पर हो सकते हैं, वित्तीय राजधानी हो सकती है, वहां पे एक यूनिटी मॉल स्थापित करने की बात की गई है। फिर वित्तीय क्षेत्र की अगर हम बात करें,
तो वित्तीय क्षेत्र में जो एमएसएमई हैं उनके लिए ऋणों की जो गारंटी है उसकी बात की गई है। 2 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए तक ऋण अगर जो है बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा, और इससे क्या होगा, ऋण की लागत में 1% की कमी आने की संभावना है। तो देखिए, वित्तीय क्षेत्र में जो प्रमुख कदम है, प्रस्तावित कदम, वो कौन से हैं? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी, और एमएसएमई जो लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए एक तरह से क्रेडिट गारंटी, और इसके लिए कार्यक्रम जो है वो कब से शुरू किया जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है वो 2 साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी, और इसमें महिला जो है अपने बचत खाते में और ब्याज की दर लगभग शायद 7.5% के आसपास जो है, 7.5% जो है ब्याज वो मिलोगे मिलेगा। ठीक है, तो महिला सम्मान बचत पत्र की बात की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ की इसमें बात की गई है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 30 लाख रुपए जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए कि 2023 से 2025 2 वर्ष की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध कराया जाएगा, और ये महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर होगा 2 वर्ष की अवधि के लिए, और उसमें ब्याज की दर कितनी है, 7.5% है, और अधिकतम जो राशि है वो कितनी है, 2 लाख रुपये है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो जमा है उसका 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो है वो अगले 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, और राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। क्योंकि देखिए, जो घाटा होता है उसको जीडीपी के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो राज्यों का जो घाटा है वो कितना हो सकता है, जीएसडीपी जो उस राज्य की सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3.5% हो सकता है, उसकी अनुमति एक तरह से इस बजट में दी गई है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट बात इसकी कि 2023-24 का जो बजट है उसमें उधारी के अलावा सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं वो कितना होने का अनुमान है, 27.2 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं ऋण के अलावा वो कितनी है 2023-24 के बजट में, 27.2 लाख करोड़ रुपए, और सरकार का जो खर्चा है वो कितना है, 45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सरकार का जो कुल व्यय है वो कितना है, 45 लाख करोड़ रुपए है, जबकि प्राप्तियां कितनी है उधारी के अलावा, 27.2। तो सरकार का जो अतिरिक्त व्यय होता है उस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, फिर ऋण लेती है। और देखिए, ये जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें नेट कर प्राप्तियां जो है, टैक्स से कितना पैसा मिलने की संभावना है, 23.3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, टैक्स से कितना मिलेगा, 23.3, और कुल कितना है, 27.2 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए, राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वर्ष 2022-23 के लिए वो कितना है, 6.4% है। ठीक है, राजकोषीय घाटे का जो संशोधित अनुमान है वो कितना है, 6.4%, और जो बजट अनुमान थे उसी के अनुरूप है, मतलब उतना ही घाटा रहने की संभावना है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, 2022-23 के लिए है, और 2023-24 के लिए जो अनुमान किया गया इस बजट में कितना है, देखो ये थे 6.4% है, और अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये कम होकर कितना हो सकता है, जीडीपी का 5.9%। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो अगला वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसमें ये जो घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है, 5.9, और चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कितना है, 6.4%।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं घाटे की जो प्रवृत्तियां हैं 2021-22 में 6.7, 2022-23 में 6.4, 2022-23 में भी 6.4, ठीक है। ये आपका बजट अनुमान था और संशोधित अनुमान भी उतना ही है, ठीक है। तो बजट अनुरूप के बजट अनुमान जो थे उससे के अनुरूप हैं। बजट में क्या अनुमान लगाया गया था 6.4 और अंत में बताया गया कि ये 6.4 ही रहेगा। और अगला जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसमें अग्रिम अनुमान जो है वो कितना है 5.9, मतलब इसमें एक तरह से कमी आने की संभावना ये बात कही गई है। भाग बी की अगर बात करें तो इसमें आयकर जो प्रत्यक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं उसको बताया गया है। तो व्यक्तिगत आयकर की जो सीमा है, ठीक है, व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में छूट की जो सीमा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 7 लाख रुपए। मतलब जिन व्यक्तियों की आय, कुल आय कितनी है 7 लाख रुपए तक है, उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा और टैक्स की जो स्लेब है उसमें एक तरह से परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, देखो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर व्यक्तियों को आयकर नहीं देना है। जो वेतनधारी व्यक्ति हैं उनको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती जो है वो मिलती रहेगी। पेंशन धारकों को 15,000 रुपये की जो मानक कटौती है वो मिलती रहेगी। और नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार 37% था पहले, जिसे घटाकर अब कितना कर दिया गया है 25% कर दिया गया है। अब देखिए जो नई स्लेब है टैक्स की, पहले 6 थी उसको घटा के अब 5 कर दिया गया है। जो कर स्लेब में 0 से 3 लाख रुपए तक आए हैं तो उसमें करों की दर 0 है। 3 से लेकर अगर 6 तक हैं तो करों की दर 5% है। 6 से लेकर 9 तक हैं तो उसमें 10% है करों की दर। 9 लाख से 12 लाख तक जिनकी आए उनको 15% कर देना है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में जिनकी आय है उनको 20% कर देना है। और 15 लाख रुपए से जिनकी आय ज़्यादा है उन्हें 30% कर देना होगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग प्रकार की सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती हैं तो उन छूट को मिला के 7 लाख रुपए तक अगर आए हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब देखिए जो बजट अनुमान होते हैं तो उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरकार का जो खर्चा है किन मदों पर कितना होगा। तो सरकार का जो सर्वाधिक खर्चा है वो कहाँ पे होगा, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान पर 100 में से 20 पैसे जो हैं या 20% जो खर्चा है सरकार का वो कहाँ पे होगा, ब्याज का भुगतान करने में होगा। तो सर्वाधिक खर्चा सरकार का कहाँ पे होता है, ब्याज भुगतान के ऊपर। उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा सर्वाधिक यहाँ पे है। उसके बाद में दूसरा जो यहाँ पे है कि जो सरकार की आय होती है केंद्र सरकार की उसमें से कुछ अंश राज्यों को देना पड़ता है। तो सरकार को जो टैक्स और ड्यूटीज, जो उत्पाद शुल्क हैं, करों से जो आय प्राप्त होती हैं उसमें से जो कुल आय है सरकार की उसमें से 18% जो है वो राज्यों को देना पड़ता है। तो राज्यों का जो अंश है वो दूसरे नंबर पे है। उसके बाद में जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उस पर कितना खर्च किया जाएगा, 17%, ठीक है। तो पहला स्थान आपका ब्याज का भुगतान हो गया, दूसरा हो गया राज्यों का अंश हो गया, फिर तीसरा जो है केंद्र सरकार की योजनाएं जो होती हैं उस पर खर्च किया जाएगा। उसके बाद में चौथा जो स्थान है एक तो है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, वित्त आयोग का, और एक अपना है जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्स की, जिसमें स्पॉन्सर किसका है, सरकार का है, वो कितना है 9% है। उसके बाद में जो डिफेंस है उस पर 8% है, या सरकार के जो अन्य खर्चे हैं वो कितने हैं 8% है। फिर सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, ठीक है, सब्सिडीज, वो कितनी है 7% का खर्चा अनुदान के ऊपर होता है। और जो सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है वो कितना है, 4% राशि जो है वो पेंशन पर खर्च होती है, ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में देखें, ठीक है, तो ये देखिए हिंदी में कि सरकार का जो सर्वाधिक खर्चा होता है वो कहाँ पे होता है, ब्याज देने में, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ब्याज अदायगी में। 100 पैसों में से अगर हम देखें तो 20 पैसे जो है वो ब्याज चुकाने पे खर्च होते हैं।
18% या 18% हम कह सकते हैं कि जो कर होते हैं उसमें राज्यों का हिस्सा होता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे राज्यों का अंश आ जाएगा। तीसरा में केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं होती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, उस पर 17% का खर्चा होता है। उसके बाद में केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो होती हैं, और जो वित्त आयोग और अन्य अंतरण होते हैं वहाँ पे 9% खर्च होते हैं, 9% खर्च होता है। अन्य खर्चे जो है वो कितने हैं, 8% है, 8%। और रक्षा के ऊपर भी जो खर्चा है वो कुल बजट का कितना है, 8% है। सब्सिडी जो आर्थिक सहायता है उस पर 7% या 7% का खर्चा होता है। और जो पेंशन चुकाई जाती है उस पर 4% राशि, ठीक है, 4 पैसे, 100 में से 4 पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं, पेंशन के ऊपर। अब देखिए पैसा आता कहाँ से सरकार के पास में, तो आय के जो स्रोत होते हैं राजस्व, उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पैसा सरकार के पास में आएगा वो कहाँ से आएगा, ऋणों के माध्यम से, उधार, ठीक है। उधार जो लिया जाता है उसका अंश राय आय में कितना है, 34%, ठीक है। सरकार की जो रेवेन्यू है, आय का जो स्रोत है, उसमें सबसे ज्यादा अंश जो है वो किसका है, उधार का, बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जो होती हैं, कितना हिस्सा है, 34%। उसके बाद में जीएसटी से, जो जीएसटी, ठीक है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है, उससे जो पैसा आता है वो कितना है, 17% है। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स और जो निगम कर है उनसे कितना पैसा प्राप्त होता है, 15%, ठीक है, निगम कर से भी 15% है, कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स जो आय कर है उससे भी कितना है, 15% है। उसके बाद में केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसका हिस्सा कितना है, 7% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका हिस्सा कितना है, 6% है, 6 पैसा है। जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, उसका हिस्सा कितना है, 4% है। और जो ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं उसका हिस्सा कितना है, 2%। ठीक है, आप यहां पे देख सकती हैं कि बोरोविंग और अदर लाइबिलिटीज है उससे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, 34% है। फिर जीएसटी है, जीएसटी से कितना मिलता है, 17%। उसके बाद में 15% इनकम टैक्स से मिलता है और 15% मिलता है कॉरपोरेशन टैक्स से। उसके बाद में यूनियन एक्साइज ड्यूटी है वो 7% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसका अंश है 6% है। कस्टम से मिलता है 4%। और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट जो होती है उसका अंश कितना है, 2% है। तो इस तरीके से अगर आपको इसमें क्रम भी याद रखना है कि सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो होती है, आय होती है, वो किससे होती है, बोरोविंग से होती है, ऋणों से होती है। उसके बाद में दूसरा नंबर किसका है, जीएसटी का है। तीसरा नंबर किसका है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, आय कर और निगम कर दोनों से कितना होता है, 15-15%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से कितना होता है, 7% होता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इस बजट से संबंधित जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे।